तो हे गाइस, कैसे आप लोग? वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। एंड भाई लोग, आज है सैटरडे, जैसा कि आपको पता है आज है इलेक्शन हिमाचल प्रदेश में। तो अभी यार हम लोग जा रहे हैं चंडीगढ़। भी चंडीगढ़ आप सबको पता है काम क्या है। चंडीगढ़ हम जा रहे हैं अपनी बाइक की मॉडिफिकेशन करवाने, जो कि नेक्स्ट वीक तक होगी अभी, बट अभी निकलना पड़ रहा है हमें। तो अभी सबसे पहले यार घर से निकलते हैं एंड सबसे पहले चलते हैं वोट डालने, देखते हैं वहाँ पर क्या माहौल है, फिर ये सारा सामान बांधते हैं एंड फिर निकलते हैं भाई। तो लेट्स गो। तो गाइस, अब भी अपन जा रहे हैं वोट डालने। फाइनली हम लोग आ चुके हैं वोट डाल के। एंड ये देखो भाई, ऐसा नहीं है वोट नहीं डाला है, तो टाइम हो रहा है 2 बजे, ठीक है। तो भाई ऐसे ऐसे लग रही है अपनी बाइक। एंड लगेज जो है वो हमने पीछे कर दिया माउंट, देख लो भाई। तो फाइनली गाइस, तुम्हारा भाई घर से निकल चुका है। अब वरना जो है भाई वो रह गई है घर पे, अभी निकलते हैं। टाइम हो रहा है भाई पूरे 2:10। एंड मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ भाई कि जाने का मकसद क्या है। मेन तो मेन जाने का मकसद यार ये है कि अपनी बाइक की मॉडिफिकेशन होने वाली है, आपको पता है। बट अभी मॉडिफिकेशन के लिए टाइम है, ऑलमोस्ट 1 वीक है अभी, बिकॉज जो मैंने SC किट मंगवाई है ना चेन्नई से, वो अभी आई नहीं है। चेन्नई में यार आपको पता है कैसा कैसा मौसम है, वहाँ पे काफ़ी फ्लड वगैरह का सीन है, तो वहाँ से ना वो पार्ट अभी शिप नहीं हुआ है। तो वो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक मेरे पास पहुँचेगा चंडीगढ़ में। तो जैसे ही वो पहुँचेगा, इसके बाद हम इसकी ना रैप वगैरह सब कुछ, मतलब कैसे कैसे करना है पूरा एक डिज़ाइन, मतलब एक प्रिपेयर करेंगे, कैसे ग्राफिक्स, कैसा डिज़ाइन होगा सब कुछ। तो वो सारा काम हम करेंगे नेक्स्ट वीक। अभी तो ऐसा प्लान है, आज हम चंडीगढ़ पहुँचेंगे शाम को एंड फिर सुबह सुबह हमारी यार संडे राइड है, और जो संडे राइड है वो भी चंडीगढ़ में होगी। तो यार आपको पता ही है संडे राइड मतलब चंडीगढ़ की क्या ही तबाही होती है भाई। अजीब है यार ये बंदा, ना कोई इंडिकेटर ना कोई कुछ भाई, भागा हुआ बस। यहाँ पे ऑफ रोड आ चुका है भाई, ओहो पूरे घिसे हुए हैं भाई टायर भी घूम जा रहा है। टायर भी चेंज करवाएंगे यार जब बजट होगा, क्योंकि आपको पता है अभी जो मैंने टायर डलवाने हैं ना, वो डलवाने हैं Apollo H1, और Apollo H1 करीब करीब 9-10 हज़ार का पड़ेगा दोनों, वो भी है भाई लिस्ट में। बट ये है कि अभी 1500-2000 किलोमीटर आराम से बाइक चल जाएगी। तो गाइस इसी के साथ हम लोग पहुँच गए हैं सुजानपुर। अभी टाइम हो रहा है 2:40, आधा घंटा लग गया भाई। तो यार गाइस हमारा जो रूट रहने वाला है ना, वो रहने वाला है बाया नदौन, बिकॉज बाया हमीरपुर ना थोड़ा लंबा पड़ता है 8-10 किलोमीटर। तो जो बाया नदौन के लिए रास्ता है भाई वो यहाँ से है। तो अपन जाएंगे इस सड़क से एंड अभी सीधा निकलेंगे नदौन में। तो यार मैं आपसे मिलता हूँ सीधा नदौन में जाके, बिकॉज ये पूरा रास्ता ऐसा ऐसा ही है एंड मैं आपको बोर करना नहीं चाहता भाई रास्ते दिखा के। बाकी कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो भाई मैं आपको दिखाता हूँ फिर रास्ते में। तो भाई अभी यहाँ पे क्या सीन होता है ना, मैं इस जीप वाले को ओवरटेक लेता हूँ एंड ना मैं ट्रक से ओवरटेक नहीं लेता, बिकॉज मुझे आगे पता नहीं था भाई कि कुछ आ रहा है नहीं आ रहा। और ये जीप वाला आप देखोगे लेफ्ट साइड यहाँ से घुसाने लग पड़ा था भाई। और फिर यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ी बहुत हमारी बहस हुई थी, ठीक है। यहाँ पे मैंने बाइक रोकी एंड थोड़ी बहुत भैया के साथ बहस हुई थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई है, यहाँ पे ऑडियो ग्लिच हो गया था। तो मैं भाई को बोल रहा था यार कि पास लेना है भाई तो राइट साइड से ले लो, लेफ्ट साइड से क्यों ले रहे हो भाई। तो बस यही बात थी यहाँ पे, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तो यही था। बाकी गाइस ऐसा होता रहता है रोड पे चलते हैं। तो गाइस अभी फाइनली हम लोग पहुंचे हैं ऊना के थोड़ा पीछे। एंड यार मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, अभी मैं रुका था यहाँ पे बैटरी चेंज करने के लिए, बट यार एक सीन ये हुआ है कि जो भी भाई मैंने रिकॉर्ड किया था, जो भी आपने पीछे व्लॉग देखा होगा, आपने देखा होगा यार मैंने वॉइस ओवर किया है अगर कहीं किया है तो, बिकॉज भाई मोस्ट ऑफ द वीडियो में ना मेरी साउंड ही रिकॉर्ड नहीं हुई है। तो ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं ऊना एंड इसकी रिफ्यूलिंग करवानी है, ये मैं करवाता हूँ यहीं पे ऊना में। 1 घंटा 59 मिनट लगे हैं हमें ऊना पहुँचने में। तो ये आप देख रहे हो भाई लेफ्ट साइड, ये है ऊना का बस स्टैंड भाई, नेक्स्ट लेवल जो बस स्टैंड बना रखा है यार ऊना वालों ने, तो काफ़ी सही है। एंड यहाँ पे भाई थिएटर भी है बस स्टैंड के अंदर। भाई हेलमेट किसी ने नहीं लगाया हुआ यहाँ पे यार, अरे पावर नहीं है। कोई नहीं, सिंपल ही भाई दिया कदे फुल दी। हो गया अंकल, कर लो चेक। तो भाई लोग रिफ्यूलिंग तो अपनी बाइक की हो चुकी है। ओहो हो भाई, कुछ भी भाई, ना इंडिकेटर दे रहे ना कुछ दे रहे, कहीं से कहीं घुस जा रहे भाई यार। तो ये है भाई ओम भुजिया भंडार। टाइम पर फिर डालेंगे, इतनी देर होगी। टाइम है जी, डालेंगे।
अभी मैं बोला था ना कि बर्फी बर्फी किनको चाहिए, तो अभी आप नहीं बोले कुछ। जब मैं डब्बे डालने लगा तब बोले बर्फी डाल दो। तो चलो खा कर हो जाएगा यार तू ना। औखा नहीं होया भाई, कमाल है नहीं। औखा नहीं होया, हुन तुसी भी बोलया कर दे भी टाइम हैगा कि नहीं हैगा, तुसी भी देखो ना। थैंक यू। तो भाई यहाँ पे मिठाई विठाई हमने ले ली है एंड बच्चे देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं भाई क्या हो रहा है। तो भाई लोग मिठाई विठाई सब कुछ हो गया है एंड अब अगला स्टॉप है हमारा सीधा रोपड़ में, रोपड़ में मेरे भाई। तो मेरे भाई ने भी मेरे साथ जाना है अभी चंडीगढ़ तक, तो यार वो अब सीधा रोपड़ में रुकूंगा मैं जाके। एंड भाई सामने चलती हुई अपनी वरना, क्या ही कहने वरना के, तो भाई नेक्स्ट लेवल गाड़ी है भाई। तो फाइनली गाइज हमने हिमाचल कर दिया क्रॉस मैथपुर बॉर्डर एंड टाइम हो रहा है अभी 4:40, मतलब कि 2.5 घंटे लग गए हमें यहाँ पहुँचने में। भाई क्या ही स्पीड, ओ शिट बाइक लग गई भाई यहाँ पे। तो ये इतना गंदा स्पीड ब्रेकर था और मैं काफ़ी तेज़ चल रहा था भाई। भाई तोड़ दिए बंदों ने डिवाइडर ही नेक्स्ट लेवल। तो ये है नंगल डैम सामने, पूरे ब्रिज पर भाई गाड़ियाँ गाड़ियाँ हैं, तो अंदाज़ा लगा लो यहाँ पे कम से कम भी भाई पूरा क्रॉस करने में 1/2 घंटा लग जाता है, बिकॉज अब पूरा बाहर बाहर से रास्ता बनाया हुआ है यहाँ पे एंड हेलमेट का यहाँ पे कोई सीन नहीं है, बिंदास घूम सकते हो बिना हेलमेट के, जैसा कि आप देख ही सकते हो भाई किसी ने हेलमेट लगाया नहीं है। एंड यार मेरे राइट साइड देखो भाई क्या ही तगड़ा पानी है भाई। तो ये नंगल डैम भाई लोग। तो इसी के साथ भाई लोग हम लोग पहुँच गए हैं अनंतपुर साहिब, लेफ्ट साइड बस स्टैंड है एंड पूरा वाइट कलर का है भाई, तो इतना सही लगता है ना देखो। तो वाइट सिटी भी बोलते हैं भाई आनंदपुर साहिब को एंड पीछे गुरुद्वारा है। कॉन्फिडेंस देती है भाई ये भाई कि तुम मुझे भगाओ मैं भागूंगी और मैं रुकूंगी भी, इतना देती है। तो गाइस इसी के साथ हमारा आ गया टोल कीरतपुर का, तो ये टोल हमने कर दिया क्रॉस कीरतपुर का। ओ फक फक फक, ओ भाई क्या कर रहे हो भाई। एंड यार थोड़ी थोड़ी ना शेक शेक फील हो रहा है मेरे को, बिकॉज यार वही बैग मैंने पीछे लगाया हुआ है। अभी हम पहुंच गए हैं रोपड़ में, टाइम हो रहा है भाई 5:45, तो 3.5 घंटे में भाई रोपड़ पहुंच गए हैं। बट अभी सीन ऐसा है मुझे रुकना है, थोड़ा सा काम है मुझे रोपड़ में, भाई को भी साथ लेके जाना है। तो बाकी अब आपसे मैं मिलता हूं गाइस सीधा चंडीगढ़ में। तो हे गाइस फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं खरड़ में, अभी बाइक करते हैं पार्क। मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया रोपड़ के आगे, तो भाई थे एंड भाई चला रहे थे बाइक, तो ये हेलमेट था भाई के पास और ये मेरा छोटा भाई। हेलो करो, हेलो, तू भी आ रहा है यूट्यूब पे देख लेना ब्लॉग, अच्छा कल आएगा। सब्सक्राइब किया ना चैनल, पता लगा इसने नहीं सब्सक्राइब किया। बाइक करते हैं पार्क, कहाँ लगाऊँ सामने, तो भाई देख लो 226 किलोमीटर था अपने घर से एंड 3:48 लगे हैं टोटल, और जो एवरेज दी है बाइक ने वो दी है 25 की। अभी एक और क्या स्कूटी
स्कूटी भी करनी है। तो गाइज इसी के साथ यार इस व्लॉग को करते हैं एंड, होप करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो ऐसा ऐसा सीन है भाई, स्कूटी भी लगा दी, बाइक भी लगा दी एंड अब इस व्लॉग को करते हैं ये पे एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस, बाय।